हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो न्यू मून की एनर्जी की रीड कर रही हूँ। कल 6 अक्टूबर 2021 को न्यू मून है, और न्यू मून और फुल मून जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और स्पेशली जो लोग इनर वर्क करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करता है। तो आज मैं उसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ और क्या चीज़ करना चाहिए, क्या हो सकता है, ये आज मैं ना जानने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं ये मूनोलॉजी का कार्ड है उनसे रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मूनोलॉजी में क्या बोलना चाहते हैं कार्ड। और ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, इसमें फुल मून ही टॉरस से दिखा रहे हैं, और ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अभी जो न्यू मून आ रहा है ये लिब्रा के अंदर हो रहा है। लिब्रा आपको पता है क्या होती है, एक ड्रीम्स इंड प्रैक्टिकल प्लान। पहले इसका मतलब बता देती हूँ, वो ड्रीम्स इंड प्रैक्टिकल प्लान मतलब अगर आप अपने जो ड्रीम्स देख रहे हो आप खाली सिर्फ वेटिंग एनर्जी में रहोगे, वेट करते रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, अपने आप पे काम नहीं करोगे, कुछ एक्शन नहीं लोगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो जब तक आपकी लाइफ में एक्शन चेंजेस नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल प्लान होना बहुत ज़रूरी है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, खुद की लाइफ पे खुद पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, फ्लो के साथ में जाना ज़रूरी है। खाली एक ही जगह खड़ा हो के वेट करते रहना वो राइट नहीं है, आपको चलते जाना है, खुद पे वर्क करना है। चाहे आप जो भी करो, जो भी साधना कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, ओनली मेडिटेशन कर रहे हो, या ना प्राणायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, को जो भी कुछ कर रहे हो, आप अपना इनर वर्क आपको करते रहना है, सब कॉन्शियस हीलिंग कर रहे हो, ये सब करते रहना है आपको, तभी आपका प्रैक्टिकल। आप जो ना एक्शन नहीं लोगे तो नो एक्शन नो रिएक्शन, जैसे बोलते हैं नो एक्शन नो वर्क, वैसे बात हो गई है। तो एक्शन तो आपको करना, आपको लेना ही पड़ेगा, और ये मत सोचे कि मैं एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ उसका रिजल्ट क्या आएगा, उतना ज़्यादा फोकस रिजल्ट पे मत रहिए, बस एक्शन लीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। और उसका नेगेटिव भी आए तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं करना है खुद को कि अगर नेगेटिव भी हो गया तो उसमें भी कुछ अच्छा ही निकल के बाहर आएगा। मैं आप लोगों को श्योर बोल देती हूँ, ये जो न्यू मून है ये लिब्रा के अंदर है। एक लिब्रा क्या होता है ना, लिब्रा आपको सबको पता है किसको, स्केल्स रूल करते हैं, मतलब जस्टिस रूल करती है। तो जो भी अगर इनजस्टिस है हुई आपके साथ में, जो भी वो चीज़ सब सरफेस पे आएगी आपकी इस न्यू मून पे। हो सकता है आपको वो काफ़ी चीज़ बार बार याद आए, क्योंकि तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो पास्ट की चीज़ें याद आना बहुत ज़रूरी है। बस शनि भी रेट्रोग्रेड ही चल रहा है 11 अक्टूबर तक, उसके बाद में वो है ना डायरेक्ट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें कि आपको बहुत ज़्यादा पुराने की जो इनजस्टिस आपके साथ में है वो उभर के सामने आएगी, लेकिन आपको वो सब एनर्जी को रिलीज़ करना है। मतलब बोलते हैं ना, ये सब इनजस्टिस जो हुई आपके साथ में उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा, और हो सकता है काफ़ी लोग कुछ एक्शन ले इस, क्योंकि ये एक ना डेफिनेटली स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि मर्क्यूरी में रेट्रोग्रेड में एनर्जी इतनी स्लो मूविंग हो जाती है कि इंसान एक्शन नहीं लेता है, थोड़ा रेस्ट एंड रेजोनेट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करता है। इसमें एक्चुअली क्या, कंप्यूटर ब्रेक डाउन होना या मोबाइल गिर जाना या ना अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में बहुत देरी लगना, ये सब चीज़ काम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में बहुत कॉमन होंगे। आप देखना समझ लो, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कोई भी नया काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए ऐसे बोलते मोस्टली, लेकिन अगर सपोज आपको कोई पुराना काम ही है उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हो, बीच में ब्रेक हो गया है, पुराना लव वापस से आ रहा है उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले से आपका एक है, वो कंटिन्यूएशन पहले से स्टार्ट हो चुका है, वो खाली बीच में ब्रेक हो गया था या बीच में चल नहीं रहा था, आप लोग की बातचीत नहीं थी, लेकिन अभी स्टार्ट कर सकते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या, इसमें क्या प्लस मार्स कंजक्शन है, मतलब मून और मार्स का कंजक्शन न्यू मून के दिन कल है, तो वो क्या कंजक्शन क्या, तो मार्स का समझ लो, मार्स प्लैनेट कौन सा होता है, मार्स प्लैनेट है मंगल ग्रह बोलते हैं उसको। तो मंगल ग्रह की एनर्जी कैसे होते हैं कि इंसान में करेज आना, एक इंसान में एक्शन ओरिएंटेड होना, तो ये सब चीज़ आपको एक एक्शन लेने के लिए भी आपके 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 पर्सन को मजबूर कर सकती है, क्योंकि मार्स की बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, मर्कुरी कितना भी स्लो चले लेकिन फिर भी वो एक मार्स कंजक्शन है मून के साथ में, तो वो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना बूस्ट करेंगे, आपके करेज को बहुत ज़्यादा ऊपर निकालेंगे, या आपके पर्सन के करेज को बहुत ऊपर खींचेंगे, और उनको लगेगा कि नहीं मुझे एक्शन लेना चाहिए, ये सब चीज़ हो सकती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि मंगल है तो बहुत फियर सी प्लैनेट है, आग का प्लैनेट है, तो उसमें क्या होता है कि गुस्सा भी बहुत तेज़ी से निकल के आता है, तो उसमें तो संभल के चलना पड़ता है कि आपके आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा नहीं हो जाए या कोई बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत हाई होती है।
तो कल जो न्यू मून है तो उसमें आप संभल के चलिएगा कि आपके पार्टनर के साथ में आपका कोई झगड़ा नहीं हो जाए। एक्शन करेजेस, डेफिनेटली करेज आएगा, एक हिम्मत आएगी, लेकिन आप तो अवॉइड कीजिएगा जो दो तीन दिन या चार दिन आपका ये आज से लेके 7th 8th तक आप लोग का कुछ झगड़ा नहीं हो जाए, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है कंजक्शन इन मार्स की वजह से। और देखो न्यू स्टार्ट इज कमिंग आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग में बोल रही हूँ, ये न्यू मून से, न्यू मून ही लिखा हुआ है इसके अंदर, ये न्यू मून से आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए दिख रही है इस अक्टूबर मंथ से, क्योंकि एक लिब्रा का मंथ है, जस्टिस, डेफिनेटली एक जस्टिस का पीरियड स्टार्ट होने वाला, जो शनि रेट्रोग्रेड था 11th अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड है वो डायरेक्ट होगा, तो शनि कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, लोगों को चांस दे रहे थे, मैंने और 4 महीने तक जब शनि रेट्रोग्रेड थे तो लोगों को एनालाइज करने का टाइम दे रहे थे कि आप अपने जो गलत काम कर रहे हो उसको सही कर लो और सही रास्ते पे आ जाओ। अभी जो लोग सही रास्ते पे आ गए तब तक तो ठीक है, अगर जो लोग नहीं आए हैं तो उनके पार्टनर को अभी 11th अक्टूबर के बाद में लेसन्स मिलना स्टार्ट होंगे शनि का, क्योंकि वो डायरेक्ट हो रहा है इसीलिए। और एक न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि आप लोग ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसमें आपको लव लाने की सख्त ज़रूरत है, मतलब आप सबसे लव से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, सामने वाले को फॉरगिव कीजिए, सबको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, मतलब जो लोग आपके साथ नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि मेरे इन लॉज मेरे नेगेटिव सोचते हैं या मेरे है ना थर्ड पार्टी हम लोग के नेगेटिव सोचते हैं, आप कंटिन्यूस उनको नफरत वाली एनर्जी या हेट वाली एनर्जी मत भेजिए, आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखे तो आप उनको हेट वाली एनर्जी मत भेजिए, उनको ब्लेसिंग वाली एनर्जी भेजिए, उनको ये आप लव वाली एनर्जी भेजिए, मतलब ऐसे हमेशा लव वाली एनर्जी भेजने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपके अंदर लव रहता ही है, वो एक दो दिन का आपका गुस्सा आता भी है तो भी वो सेटल हो जाता है, तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, जो आपके दुश्मन है ज़्यादा करके उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजना बहुत ज़रूरी है, आप देख के करके ये 15-20 डेज में उनकी एनर्जी चेंज होगी आपके लिए, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज होगी, डेफिनेटली चेंज होगी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि 3D में रहना है, फिर सबको 5D में आ चुकी हो, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो या चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो तो आपकी कॉन्शियसनेस एक रेज हो जाती है, 3D से 4D में आने लग जाते हो, आपको समझ नहीं आने लग जाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे एंगर आ रहा है, मुझे जेलसी फील हो रही है, ये आपकी 4D कॉन्शियसनेस होती है। फिर 5D में क्या होता है कि आप ये सब चीज़ को बैलेंस करने लग जाते हो, ओवरकम करने लग जाते हो, तो ये आपकी 5D एनर्जी होती है, लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं गॉड 5D को 3D की जगह में बैलेंस करना है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जब यही सब चीज़ आप जो 5D में कर रहे होते हो, अकेले में कर रहे होते हो, उसको बाद में आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे लोगों के साथ में आप इंटरेक्शन आपसे आपका शुरू होता है तो वहाँ कैसे अप्लाई करना है वही सब चीज़ों को, क्योंकि जब प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हम उतनी अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते जितना हम लोग 5D में रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना थियोरी में तो हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, साइंस स्टूडेंट बहुत अच्छे समझ सकते होंगे इसको, जो हम प्रैक्टिकलिटी में जब आते हैं तो हमको थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने में ये सब करने में तो थियोरी वाइज ईजी होता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कभी कभी किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वही आपको अपनी थियोरीज को अभी प्रैक्टिकल में लगाना है, अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली वालों के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, सब में वो जो आपने सीखी है अच्छी चीज़ें वो अभी अप्लाई करनी है आपको। और शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपके जो रियल सेल्फ है आपके अंदर का, जो आप जैसे हो वैसे प्रेजेंट कीजिए, कुछ और मत बनने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के सामने, क्योंकि आप जैसे हो ना उनको आपको वैसे ही पसंद हो, तो आप जैसे खुद रियल रहोगे ना तभी आपके पार्टनर भी रियल अपने रियल साइड आपको दिखाएंगे, वो नहीं तो आपको एक मास्क पहन के ही रखेंगे, आप क्या अपने आपको थर्ड पार्टी से कंपैरिजन करके या किसी और से कंपैरिजन करके आप वैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, आप जैसे हो अपने अंदर की जो सुंदरता है उसको बाहर निकालिए, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको उसी तरह से पसंद भी करते हैं और वही चीज़ आपको देखना चाहते हैं, तभी आपके पर्सन की भी वही रियल सेल्फ बाहर निकल के आएगी, ऐसे बोल सकते हो। और यू आर गुड इनफ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप किसी के साथ में अपने आपको कंपैरिजन मत कीजिए, तो आपको ये मून पे बोल जाए, आप खुद जैसे हो वैसे आप खुद के लिए बहुत अच्छे हो, लोगों के लिए भी अच्छे हो, और हर इंसान यहाँ पे धरती पे जो जन्म लिया उसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है, समझ रहे हो, आपकी अलग क्वालिटी है, सबको पसंद की अलग क्वालिटी है, सब में कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसमें नहीं होते, सबके अलग अलग होती है, हमको किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, आपको अपने वो अच्छे गुण को ही बाहर निकाल के लेके आना है, तो आप और अपने ना अच्छी क्वालिटी से जब बाहर आपने आप इनर वर्क करना शुरू कर देंगे, आपकी अच्छी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगी और आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरी अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी है। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, अगर सपोज आपका पार्टनर के साथ में कुछ झगड़ा भी हो जाता है या कुछ बातचीत भी हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये मत सोचिए कि ये कोई परमानेंट हो गया है, क्योंकि ये ऐसी सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, या कभी वो बहुत झगड़ा बहुत हाई लेवल पर भी चला जाता है,
तो ऐसा नहीं है कि रिवर्टेबल नहीं है, वो सब रिवर्टेबल होता है। तो ये सब सिचुएशन सरफेस पे आती है, झगड़ा सामने आता है या फिर कोई जेलेसी फैक्टर सामने आता है, कोई भी फैक्टर जैसा रिलेटिव फाइनेंशियल फैक्टर है, वो सब सरफेस पे आएंगे। न्यू मून और फुल मून पे स्पेशली बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको घबराना ये नहीं है सब चीज़ों से। ये सब चीज़ बहुत कॉमन है, होती रहती है, ऐसे बोल सकते हो। डोर टू स्पिरिट आ रहा है। एक्चुअली आपको ना आपका डोर टू स्पिरिट ओपन करना ही होगा। जितना आप भगवान में लीन होंगे, अपने खुद पे फोकस करोगे, अपनी खुद की स्पिरिट से जितना कनेक्ट करोगे आप, तभी आपके पर्सन आपके पास आएंगे। क्योंकि आपके सोल से आपको खुद को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सब आपको कनेक्शन करने के लिए आपको 6 चक्र एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। 6 चक्र एक्टिवेट करोगे ना आप, तो आपकी डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपकी है ना, ये डोर आपका डेफिनेटली ओपन होगा। 3rd eye chakra डेफिनेटली ओपन होगा, आपको जो चीज़ नहीं है दिखती वो भी दिखने लग जाएगी, आप ऐसे बोल सकते हो। कि मैंने खुद ने पर्सनली नोटिस किया है, जो चीज़ मैं पहले नहीं देख सकती थी अपनी आँखों से, वो चीज़ कहाँ पीछे की डोर, बिहाइंड द डोर्स की चीज़ें भी मुझे समझने आने लग गई, ऐसे दिखाई देने लग जाती है। इतना कह सकता है कि यार कितना ऐसे इतनी आँखें कैसे खुल गई, मतलब ऐसे लगता है कि पीछे का एक दरवाज़ा ना आँख के पीछे का एकदम बैक डोर एकदम ओपन हो जाता है एकदम, और इंसान को सब चीज़ इतनी क्लियरली और इतनी अच्छी तरह समझने आने लग जाती है ना कि पूछिए मत। और ये आपको एंजल्स इसमें हेल्प करेंगे डेफिनेटली। आप कोशिश कीजिए, वर्क कीजिए, और कल हो सके तो मेडिटेशन डेफिनेटली कीजिएगा। मेडिटेशन अगर आप मेडिटेशन करने से हमारी जो भी एनर्जी हो वो मेडिटेशन में, क्या मेडिटेशन करने के बाद में जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है उसको आप बोलिए कि आई एम रिलीजिंग दिस एनर्जी ऑफ माइंड, कि मैं अपनी ये ख़राब क्वालिटी है मैं इसको अपने अंदर से निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। आज से मैं सबको फॉरगिव करती हूँ, जो लोग ने मेरे साथ में बुरा किया है और जो लोग मेरे साथ में कर रहे हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ जिनके साथ में मैंने बुरा किया है, या इस जन्म में उस जन्म में। तो ये सब चीज़ आप मेडिटेशन में कीजिए और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। और जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कोई भी आपके पर्सन की क्वालिटी है या ख़राब चीज़ है या आपके पर्सन का बिहेवियर है या किसी का भी, कोई आपके पेरेंट्स का या आपके सिबलिंग का या आपके इन लॉज का, कोई भी चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, तो आप बोलिए वो चीज़ को मैं रिलीज़ करती हूँ, वो पेन को मैं अपने अंदर से रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। वो पेन को आप रिलीज़ करोगे, आपसे एक दिन से तो नहीं होगा ये रिलीज़ डेफिनेटली, आपको कंटिन्यूस मेडिटेशन में बैठ के ये पेन को रिलीज़ करना पड़ेगा। जब आप ये पेन को रिलीज़ करोगे ना, बिलीव मी, यार पेन रिलीज़ होगा और आपको इतना लाइट फील होगा ना कि पूछिए मत। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पेन रिलीज़ करके। और कल न्यू मून है, जिन्होंने पितृपक्ष के लिए कुछ भी नहीं किया है मतलब, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कल आप लोग गाय को डेफिनेटली ना रोटी खिलाइए, और किसी हो सके तो पंडित या पंडिताइन दोनों को बुला के खाना खिलाइए, या किसी कम्युनिटी जहाँ पे कम्युनिटी किचन चलता है या मंदिर में अनाज का दान कर दीजिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो उससे भी आपका क्या पितृदोष में थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। और एनवी, हो सकता है कि आपकी एनवी की फीलिंग में बोल रही मार्स की एनर्जी है आ रही है कंजक्शन में, तो हो सकता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलेसी फील हो और आपके कुछ आपको जेलेसी फील हो, ये जेलेसी की एनर्जी को भी रिलीज़ कीजिएगा इस न्यू मून पे, कि आई रिलीज़ दिस एनर्जी ऑफ माइंड। आपको ये कंटिन्यूस मेडिटेशन में आप ऐसे सब चीज़ें करते रहोगे ना, तो आप देखिएगा कि आपकी ये एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, डेफिनेटली रिलीज़ होती है, ऐसे नहीं कि रिलीज़ नहीं होती है। ये सब एनर्जी हमारे अंदर कूट कूट के भरी होती है, मतलब ये सब है ना, इतने लेयर्स चढ़ चुके हैं, इतने साल में हम इतना 3D वर्ल्ड में इतना धोखा खा चुके हैं, इतना सब कुछ हो जाता है, तो ये सब लेयर्स ऑटोमेटिकली चढ़ जाती है। ये सब लेयर्स को रिलीज़ करना पड़ता है। इनर चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं, किसी के साथ में बचपन में बहुत गलत हरकतें हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स के साथ में या मेल्स के साथ में, जिनके पेरेंट्स या उन्होंने बहुत झगड़ा देखा है, या अपने पेरेंट्स की या अपने अंकल्स की या रिलेटिव्स की कोई बहुत बैड बिहेवियर की वजह से वो क्वालिटीज़ उनके अंदर वो आ जाती है, तो वो सब क्या, वो सब चीज़ उनके दिमाग पे छप जाती है, तो वो सब एनर्जी को भी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है न्यू मून पे। तो ये सब क्वालिटीज़ को आप या बुराइयों को आप रिलीज़ कीजिए, धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे डेफिनेटली होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, ऐसे मत सोचेगा कि रिलीज़ होगी ही नहीं, ऐसे सब नेगेटिव थॉट्स लाना ही मत, क्योंकि ये न्यू मून पे सरफेस पे आएंगे ये सब आपकी हैबिट्स। और
देखो, अंडरस्टैंड कीजिए। देखो इसमें इंसान आपको, आपका पिंजरा खुल रहा है, आपको जो पिंजरे से आप बाहर निकलना चाहते हो ना, वो पिंजरे से आप डेफिनेटली बाहर निकलोगे। आप एक मैच्योरिटी गेन करोगे इस न्यू मून के बाद में, आप और आपके पर्सन दोनों। और आइसोलेशन देखो कितना, ये पर्सन कितना आइसोलेट हो रहा है, ये आपके पर्सन बहुत आइसोलेशन में हो सकते हैं मुझे लग रहा है, लेकिन ये आइसोलेशन उनको हेल्प करेगा। उनके देखो इमोशंस बाहर निकलने वाले हैं, ये इंसान रो रहा है आइसोलेशन में, तो इनको इमोशंस बाहर निकलेंगे। इमोशंस बाहर निकलेंगे तभी तो इनकी फेमिनाइन एनर्जी जागृत होगी और ये अंडरस्टैंड करेंगे आपके लव को। और इंटीग्रेशन, और एक इंटीग्रेशन, एक बोलते हैं ना यिंग यांग मर्जिंग की तरफ आप बढ़ोगे, एक यूनियन की तरफ आप बढ़ोगे इस न्यू मून के बाद में, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।